हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। फिर से एक बार अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम। फिर से एक बार मैं सभी दर्शकों का, क्रिकेट के चाहने वालों का, साथ ही साथ यूट्यूब के जरिए जय गणेश इस चैनल पर न जाने कई दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तमाम क्रिकेट के दर्दी चाहने वालों का तहे दिल से अलंकार फेस्टिवल टूर्नामेंट जिस तरीके से ऑर्गेनाइज बाय बानकोट क्रिकेट क्लब, स्पॉन्सर्ड बाय लेट सुभान परकर एंड फैमिली, अलमरहूम सुभान परकर, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए कहते चलूँ ये आयोजित की हुई टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन आयोजित की हुई, इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से मैं कहूँ तो इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज़ है 50,000 और सुभान परकर एंड फैमिली ट्रॉफी, साथ ही साथ सेकेंड प्राइज 25,000 देखिए। आरआरटी टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कमेंट बॉक्स में भेजिए नाम के लिए। और देखिए ये जो डगआउट बना हुआ है, पेविलियन बना हुआ है, जो कुर्सियां रखी गई है प्लेइंग 11 के लिए, वहां से आपको जाना है बानकोट 11 ए, शादाब, जैद, नवीद, शहबाज, जाइए वहां पर, जैद परकार, नवीद, आसिफ अली मुकादम। कहते चलो ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है, इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से मैं चर्चा कर रहा था, इस टूर्नामेंट का सेकंड प्राइज है कहते चलो 25,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई सुभान परकर एंड फैमिली ट्रॉफी। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट का थर्ड प्राइज है कहते चलो 10,000 और ये जो टूर्नामेंट के लिए आप जो ग्राउंड देख रहे हो, काफी हद तक हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कहते चलो नारायण शिंदे, इनका ये ग्राउंड है। और इस ग्राउंड पर आप देख सकते हो एक खूबसूरत मंजर छाया हुआ है, क्योंकि आज का आयोजित की हुई टूर्नामेंट का दूसरा दिन है। अलंकार यानी जिस तरीके से कहते चलो, अलंकार की मीनिंग में होती है आविष्कार, असल में देखा जाए तो गहने यानी जिस तरीके से जो सोना होता है ना, जी हाँ, जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से कहूं तो काफी अट्रैक्टिव इनामत है इस टूर्नामेंट के अंदर। मैन ऑफ द सीरीज के लिए 1,500 का कैश प्राइस, इस टूर्नामेंट का जिस तरीके से कहते चलो मैन ऑफ द सीरीज के लिए 1,500 का कैश प्राइस और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर के लिए 1,000 रुपए का कैश प्राइस और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी।
इस बैट्समैन के लिए कहते चलो इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन के पहले मैच की तरफ आप देख सकते हो। अंपायरिंग के लिए नूरुल्ला परकर और कहते चलो शादाब परकर, इनका भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। गेंदबाजी पर देखा जाए तो गेंदबाजी पर अब्दुल वाहिद, स्ट्राइक पर बल्लेबाज कहते चलो आसिफ, नॉन स्ट्राइक पर देखना होगा शहबाज। बेस्ट बैट्समैन KLS इनकी तरफ से बेस्ट इस टूर्नामेंट का जो कैचर रहेगा, जो कैच पकड़ेगा उसके लिए एक चमचमाती हुई ट्रॉफी है, साथ ही साथ कहते चलो बेस्ट बैट्समैन के लिए ट्रॉफी। जहां नूरुल्ला भाई खेल की शुरुआत होगी, स्ट्राइक पर कहते चलो बल्लेबाज आसिफ मुकादम, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज कहते चलो शहबाज। गेंदबाजी पर अब्दुल वाहिद, देखा जाए तो पावर प्ले वाला ओवर लेकर आए हैं। आरआरटी की टीम के अंदर आप देख सकते हो शहजाद, साथ ही साथ कहते चलो नवाज, साथ ही साथ जकी, दानिश, साबिर, साथ ही साथ कहते चलो मोहसिन। ओ पहली ही गेंद हवा में उठाकर खेला, गेंद को भेजा पहली ही गेंद पर 6 रनों के लिए, खूबसूरत स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला, क्या बात है। आते ही जिस तरीके से अब्दुल वाहिद पर हल्ला बोला है और ये 6 रन के साथ अब ऐसे लगने लगा है कि बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं। पहली ही गेंद को जिस तरीके से उन्होंने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रनों के लिए खेला, बहुत ही उम्दा टाइमिंग के साथ, और वो कहते हैं ना कि आओ ना देखा ताओ, गेंदबाज को दिखा दिया पहली ही गेंद पर आटे दाल का भाव, षटकार 6 रन। और इन्हीं 6 रनों के साथ अब बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट काफी हद तक बढ़ चुका है, देखना होगा पावर प्ले वाली ओवर में किस तरीके से और बल्लेबाजी देखने मिलती है आसिफ अली मुकादम की। तो इस बीच देखिए बैकफुट पर जाकर खूबसूरत कारपेट के साथ खेला, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, खूबसूरत टाइमिंग आसिफ अली मुकादम की। तो इस बीच देखिए बैकफुट पर जाकर खूबसूरत गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, खूबसूरत टाइमिंग। मैच की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो पहली गेंद पर षटकार, दूसरी गेंद पर चौकार। अब्दुल वाहिद पावर प्ले वाला ओवर लेकर आए थे, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला है आसिफ अली। ये देखिए तीसरी गेंद पर दिशा भटकते हुए वाइड का अंपायर का इशारा आ चुका है और एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर हो चुका है 11 रन पर। अब्दुल वाहिद फिर से एक बार गेंदबाजी पर है, दिखना होगा। ओहो क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गेंद को जिस तरीके से आप देख सकते हैं स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन देखिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है, नासर के हाथ से कैच छूटा है और जिस तरीके से एक ही रन मिलता हुआ, नाराज है मोहसिन, लेकिन शादाब उन्हें समझाते हुए कि जिस तरीके से एफर्ट तो अच्छा था लेकिन अगर ये कैच होता तो जरूर कमबैक हो सकता था। क्रिकेट में कहते चलो कैच ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाफिज साहब, कैच ये मैच के लिए टर्निंग पॉइंट बनता है क्योंकि सबसे अहम रोल होता है फील्डिंग, और जब आप फील्डिंग करते हो तो बैट्समैन के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और प्रेशर में आकर वो अपना विकेट गवा देता है, लेकिन जब कैचेस छूटते हैं तो कॉन्फिडेंस ऊंचे लेवल पर जा पहुंचा। अब बल्लेबाज आसिफ अली का टीम का स्कोर हो चुका है 12 रन पर। अब्दुल वाहिद फिर से एक बार गेंदबाजी पर राइट अप ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू किया। ओ इस भी देखिए खूबसूरत स्ट्रोक, क्या बात है जानदार, क्या बात है, रन मिलेंगे इस गेंद पर 4।
और तभी तो पर टीम का स्कोर तेजी के साथ जा पहुंचा है 16 रनों पर। अब देखिए बल्लेबाज के तालुक से अगर मैं कहूं तो अच्छी बल्लेबाजी आसिफ ने दिखाई थी, 3 गेंदों पर जिस तरीके से गेंदे हो चुकी है, 100 ओवर के 4 गेंदे हो चुके हैं, 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, लेकिन जब शहबाज को स्ट्राइक मिली तो शहबाज ने पहली ही गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक, यानी कहते चलो जिस तरीके से पॉइंट कवर के ऊपर से स्ट्रोक खेलना, ये एक ऊंचे खिलाड़ी की निशानी होती है, और वही कर दिखाया बहुत ही अच्छे टाइमिंग के साथ पावर प्ले वाली ओवर में। नए साल और नए साल में दूसरे दिन यानी टूर्नामेंट का और पावर प्ले वाली ओवर में अच्छा स्ट्रोक देखने मिला। ओहो इस भी देखिए फिर से एक बार गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला है, काउ कॉर्नर रीजन में बहुत ही अच्छा टाइमिंग दूसरे दिन यानी टूर्नामेंट का और पावर प्ले वाली ओवर में अच्छा स्कोर देखने मिला। ओहो इस भी देखिए फिर से एक बार गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला है, काउ कॉर्नर रीजन में स्ट्राइक पर देखा जाए तो बल्लेबाज शहबाज, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज की अगर मैं बात करूं जो टीम के लिए बहुत ही अहम रोल अदा कर रहे हैं आसिफ अली। इस भी देखिए अच्छा स्ट्रोक लगाया है, विकेट का खतरा हो सकता है और जी नहीं, ये गेंद जिस तरीके से गिरी थी फील्डर उस गेंद को इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप देख सकते हो 2 रन से नहीं रोक पाएंगे और इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 22-22 रन। एक ओवर के इख्तिताम पर बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं। कैच तो जिस तरीके से छूटा था, लेकिन कैच छूटने के बाद जब जीवनदान मिला आसिफ को और अब उनका कॉन्फिडेंस एक ऊंचे लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि टीम का स्कोर 22 होने के बाद पावर प्ले का ये ओवर बल्लेबाजों के लिए बहुत ही कारीगर साबित हुआ, बहुत ही फायदेमंद साबित रहा। अब यहां से देखा जाए तो 4 ओवर का मैच अभी भी बचा हुआ है पहले इनिंग का। अब देखिए अंपायर चेंज होते हुए मेन अंपायरिंग पर शादाब परकार और उनके साथ में नूरुल्ला परकार, दोनों अंपायरों की अगर बात की जाए तो उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत सारा वक्त दिया है, क्रिकेट के जानकार है और आज अंपायरिंग के रूप में कड़कती हुई धूप में एक अच्छा मुकाबला बीच मैदान के अंदर जारी है। मैंने देखा हो जब बानकोट की टीम दिगर इलाकों में जब खेलती है तो कोशिश करते रहती है कि एक बड़ा टारगेट रखे, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट मिलना बहुत जरूरी होता है और ना जाने कई मर्तबा अच्छा स्टार्ट मिलने से रहा है वजह भाई, लेकिन एक अच्छे लय में आज ये टीम उतरती भी नजर आई। क्या आप देख सकते हो शहबाज ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और साथ ही साथ आसिफ अली ने भी अच्छा स्ट्रोक लगाकर टीम का स्कोर बढ़ाया है। अब देखा जाए तो दूसरा ओवर लेकर आए हैं रिजवान आरआरटी की टीम की तरफ से, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली देख सकते हो, डीप में खिलाड़ियों को रखा गया है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग साथ ही साथ डीप एक्स्ट्रा कवर साथ ही साथ लॉन्ग ऑफ पॉइंट, काफी हद तक फील्डिंग की अच्छी जमावट है। साथ ही साथ तारीफ के लायक कहते चलो अहमद साहब लाइनमैन के लिए अच्छा काम करते हैं और उनके दोस्त कहते चलो वो जो उसका नाम क्या वो जो जा रहे हो बंटी बहुत खूब, इन्हें लाइनमैन का काम बहुत जरूरी होता है भाई कहते चलो, तो क्योंकि गेंदे जब बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है तो ये खुला मैदान है और इस खुले मैदान में गेंदों को लाना यानी लाइनमैन की जिम्मेदारी होती है। इस भी देखिए बेहतर स्ट्रोक, क्या बात है, खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, इस गेंद पर रन मिलेंगे 4 और इन्हीं 4 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है कहते चलो 26-26 रनों पर। क्या बात है, बहुत ही उम्दा स्ट्रोक देखने मिले हैं, 4 गेंदों में 15 रन पर खेलते हुए स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो बल्लेबाज का तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आया है। इस बीच अगली गेंद रिजवान द्वारा, वो इस बीच देखिए फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अच्छा स्ट्रोक लगाया,
से कहते चलो टूर्नामेंट के लिए लाइव टेलीकास्ट चल रहा है यूट्यूब के जरिए, आप देख सकते हो जय गणेश के इस चैनल पर। और इस भी देखिए अच्छा स्ट्रोक लगाया कारपेट के सहारे, वहां पर अब्दुल वाहिद गेंद को फील्ड कर रहे हैं, गेंद कहते चलो तेजी के साथ फील्डर की तरफ गई और बैट्समैन के लिए अपील तो की गई थी कि बैट्समैन रनआउट के रूप में विकेट जाएगा, लेकिन नूरुल्ला परकर जो स्ट्राइक एंड पर अंपायर है उनका कहना है देखना होगा, अब उनके बीच में डिस्कशन हो रहा है, डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि हम यहां से बोलना आसान होता है कि बैट्समैन आउट है या फिर नहीं आउट है, लेकिन अंपायर को ही पता होता है कि क्या है और क्या नहीं है। बैट्समैन यहां पर कहते हैं चलो रनआउट के रूप में विकेट जाएगा शहबाज का, और आप देख सकते हो टीम का स्कोर हो चुका है 27 27 रन इस ओवर, 28 रन टीम का स्कोर 28 रन, और इस ओवर की गेंदे हो चुके हैं दो, तीन गेंदे हो चुके हैं, रिजवान गेंदबाजी पर अब तक 6 रन खर्च किए हैं, 28 28। एक स्टार्ट सरवती और शहबाज ने अच्छा स्टार्ट दिया था टीम के बल्लेबाजी के रूप में अगर बात की जाए तो, एक अच्छा परफॉर्म दिखाया। अब देखा जाए तो दूसरी ओवर लेकर आए हैं रिजवान, अब तक दो गेंदे तीन गेंदे कर चुके हैं, तीसरे गेंद पर दूसरा रन चुराने में रन आउट के रूप में विकेट गया, लेकिन इस बार जैद परकर नहीं रुकेंगे, क्या बात है, आते ही गेंदबाज पर हल्ला बोला है, गेंदबाज के मस्तक पे दस्तक बैठते हुए 6 रनों के लिए गेंद फरार, षटकार बहुत ही अच्छा टाइमिंग था, फुटवर्क अच्छा था और आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा था, जिसकी वजह से ये 6 रन जोड़े गए टीम के रनों में, टीम का स्कोर तेजी के साथ जा पहुंचा है 34 34 रनों पर। इस ओवर के गेंदे हो चुके हैं कहते चलो 4, दो गेंदों का आना बाकी है, लेकिन कहते चलो जहां तक बानकोट 11 ए की टीम, ये इनके लिए ये ग्राउंड होम ग्राउंड है, जब भी बल्लेबाजी की बात आती है विकेट के कॉन्क्रीट की अगर बात की जाए तो ये बल्लेबाज अपना 100% देने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, ओ ये देखिए, ये स्ट्रोक खेलना चाहते थे खड़े खड़े, लेकिन डॉट बॉल उनके छोटे भाई अंपायरिंग पर है, लेकिन कहते चलो यहाँ पर अंपायर की बात जहां पर की जाती है वहां पर कोई रिश्ता नहीं देखा जाता, बल्कि सही डिसीजन दिया जाता है, और सही निर्णय था कि बैट्समैन जिस तरीके से खेल रहे थे, ये गेंद डॉट बॉल है, इस ओवर की गेंदे हो चुके हैं कहते चलूं 5, एक गेंद आना बाकी है, टीम का स्कोर हो चुका है 34, जैद परकर स्ट्राइक पर है, जैसे ही जैद परकर आए उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए स्ट्रोक खेला था, अगली गेंद और इस भी देखिए अच्छा स्ट्रोक लगाया डीप एक्स्ट्रा कवर की रीजन में, स्ट्रोक अली के हाथ में गेंद गई और ये एक रन आने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया, टीम का स्कोर हो चुका है 35 35 रन, दो ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। अगर देखा जाए मौलाना दो ओवर का एनालिसिस तो पहली ओवर में 22 रन आए थे पावर प्ले वाली ओवर में, क्योंकि वहां पर पहली ओवर में गलतियां भी होती है आपने देखा होगा, क्योंकि जो टाइटैनिक ये जो फिल्म आई थी ना उसमें जिस तरीके से एक गलती मतलब एक चुकी भागत पड़ दे मित्रों, देखिए कि उस फिल्म में एक सुराख हुआ जिसकी वजह से पूरा जहाज डूब गया था, एक गलती महंगी साबित होती है,
पहली इनिंग की अगर बात की जाए तो पहली इनिंग की पहली ओवर में, हाँ टीम मीटिंग बिल्कुल नहीं लेना है आरआरटी। तो मैं चर्चा कर रहा था ना कि एक साबित हो गया कि जिस तरीके से वो जो पूरी तरीके से डूब गया था, नवीद भाई आपको मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है बिल्कुल, तो एक गलती वो महंगे साबित होती है, क्योंकि देखिए इतने रन जो आए हैं उसी बल्लेबाज ने स्ट्रोक को लगाया है और अब उनका साथ निभा रहे, कहते चलो बल्लेबाज जैद प्रकार जो अच्छे लय में आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए नवाज एक छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी पर, और इस भी देखिए ऑफ कटर गेंदबाज है, देख सकते हो अंदर की तरफ गेंद लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पहली ही गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में स्ट्रोक को खेला। और देखिए जिस तरीके से थ्रो किया था, बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी नहीं, देखते ही देखते दो नहीं तीन रन पूरे हो चुके हैं और चौथा रन भी पूरा हो चुका है, क्या बात है, चार रन दौड़कर बैट्समैन ने पूरे किए इस ग्राउंड पर, गुड रनिंग गेट। और इन्हीं चार रनों के साथ टीम का स्कोर तेजी के साथ जा पहुंचा है 39 रनों पर। न जाने कहीं दर्शक यूट्यूब के माध्यमों से जय गणेश चैनल पर इस अलंकार फेस्टिवल टूर्नामेंट सीजन वन का लुत्फ उठा रहे हैं दूसरे दिन में हो रहे पहले मैच का। जी हाँ, क्योंकि दर्शक जो है ना ये क्रिकेट के बहुत ज्यादा जिस तरीके से भूखे हैं, प्यासे हैं, जिस तरीके से प्यासे को पूछो कि पानी की कीमत क्या होती है, भूखे को पूछो कि खाने की कीमत क्या होती है, उसी तरीके से क्रिकेटर के चाहने वालों को पूछो कि क्रिकेट की कीमत वजह क्या होती है। और इसी भूख और प्यास को मिटाने के लिए इन आयोजकों ने खूबसूरत मंजर लाने का काम किया है और टीम का स्कोर जा पहुंचा है कहते चलो तेजी के साथ 40 रनों पर। नवाज गेंदबाजी पर है, ऑफ कटर है लेकिन मैच के लिए टर्निंग पॉइंट वाला ओवर देखना होगा किस प्रकार गेंदबाजी कर रहे हैं। मेरा दोस्त अशरफ शाह ये भी खास आरआरटी से यहां पर खास मेरी कमेंट्री सुनने के लिए आता है, बहुत ज्यादा खुशी हुई कि ऐसे मोहब्बत करने वाले और ऐसे दिलदार दोस्त अगर मिलते हैं तो काफी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाता है। गेंद पर इस तरीके से स्ट्रोक को खेला था, एक रन आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 41 रनों पर। हाल ही में जुवी में भी एक बड़ी टूर्नामेंट हुई थी, वहां पर भी मयूरेश का पूरा सेटअप था और काफी हद तक अच्छा लाइव टेलीकास्ट था। और यहां तक की अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट के बाद बैक टू बैक बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से यानी अनवर भाई की तरफ से एक बड़ी टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर होने वाली है। जी हाँ, नवाज भाई फिर से एक बार देखिए, नवाज गेंदबाजी पर राइट आर्म ओवर द विकेट, ओ ये देखिए धीमी गति की गेंद, बैट्समैन परख नहीं पाए, बिंदी गेंद में कह रहा था ना ये डॉट बॉल, चौथी गेंद पर स्कोर रुक चुका है, टीम का स्कोर 41 रन पर। अब देखना होगा टीम का स्कोर 41 हो चुका है 41 रन, आने वाली दो गेंदों पर क्या होता है, क्या जैद को शांत किया जाता है या फिर जैद नवाज को शांत करते हैं। ओ इस भी देखिए स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश में है बैट्समैन, जिस तरीके से बल्ले का एज लगा और बॉटम पर गेंद लगने की वजह से कहते चलो बैट्समैन आउट हो चुके हैं, जिस बल्लेबाज की विकेट की तलाश थी और जो रणनीति थी प्लानिंग थी उसी लिए नवाज को गेंदबाजी दी गई और काफी अनुभव अब नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने जैद प्रकार जैसे एक हार्ड हिटर बल्लेबाज का विकेट हासिल किया है। अब यहां से रनों पर अंकुश लग चुके हैं क्योंकि गेंदे हो चुके हैं पांच, टीम का स्कोर हो चुका है 41 रन। अब यहां से देखा जाए तो इस ओवर की गेंद बची हुई है सिर्फ और सिर्फ एक, देखना होगा इस गेंद पर भी अगर विकेट आता है तो कहां ना कहां आरआरटी की टीम जो बैकफुट पर जा रही थी वो आगे आकर अच्छा मुकाबला खेलने की जरूर कोशिश करेंगी। साथ ही साथ आए भी हमारे मेहमान टीम हरने की, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आपका आना मुबारक हो। ओ इस भी देखिए अच्छा स्ट्रोक, आसिफ अली नहीं रुकेंगे, गेंद जाती भी हवा के साथ साथ घटा के संग संग, छह रन के लिए सिक्सर शटकार, उम्दा टाइमिंग के साथ काउ कॉर्नर रीजन में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक,
6 रन के लिए, और इन्हीं 6 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 47 रनों पर, 47 स्कोर हो चुका है। अभी मयूर या षटकात बघा किती धावा आलेत ते तुम्ही पाहू शकाल का, तर या षटकामध्ये सुद्धा 12 धावा आलेले आहेत। पहिल्या षटकात 22 धावा फलंदाजाने बनवले, दुसऱ्या षटकात 13 धावा बनवले, आणि तिसऱ्या षटकात मात्र 12 धावा खर्च केले नवाजने। म्हणजे कुठेतरी रना धावसंख्यांवरती धावसंख्या धावा रोखण्याची मात्र गोलंदाज प्रयत्न करत होता आणि त्याच्यामध्ये यशस्वी सुद्धा झाला, पण शेवटच्या चेंडूवरती आसिफ अलीनी जो षटकार मारला त्याच्याने आता मात्र परत एकदा संघामध्ये एक हलचल दिसून येईल का, तर रनांची जी गती आहे ती परत एकदा वाढताना दिसणार जी हा, क्योंकि रनों की गती फिर से एक बार बढ़ती हुई नजर आएगी। आने वाली 2 ओवरों का खेल बचा हुआ है, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, टीम का स्कोर हो चुका है 47 रन, 3 ओवर के इख्तिताम पर विकेट जा चुका है सिर्फ और सिर्फ 1, 2 विकेट जा चुके हैं कहते चलो, एक कहते चलो विकेट जो गिरा था शहबाज के रूप में और दूसरा विकेट गिरा जैद परकार के रूप में। तीन ओवरों का खेल खत्म हो चुका है, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 2 ओवर का मैच बचा हुआ है, और इसीलिए फिर से एक बार विकेट टेकर गेंदबाज बनाने के लिए रिजवान को लाया गया है, क्योंकि रिजवान वही गेंदबाज है जिसने दूसरी ओवर में 13 रन खर्च किए थे और कमबैक लाने की कोशिश की थी। अगली गेंद, ओह इसमें देखिए अच्छा स्ट्रोक जरूर है, इस गेंद पर रन मिलेंगे 6 रन, षटकार आते ही देखिए 6 रन के लिए, क्या बात है वजाद भाई, हर बल्लेबाज आ रहा है षटकार लगा रहा है, हर बल्लेबाज आ रहा है चौका लगा रहा है, यानी बानकोट के खिलाड़ी क्रिस के बाहर से ही पहले से ही सेट होकर आए थे कि हमें क्रिस पर जैसे उतरना है षटकार और चौकार से अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाते हुए रनों की गति बढ़ानी है, और टीम का स्कोर हो चुका है कहते चलो 53 पर। इस बीच देखिए गेंदबाज ने दिशा चेंज की है, पहले ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे, अब राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट काउट कॉर्नर, साथ ही साथ जिस तरीके से डीप एक्ट का कवर, और इस बीच देखिए काउ कॉर्नर रीजन में गैप ढूंढा अब्दुल वाहिद की अच्छी फील्डिंग, अच्छा आसर ने, और देखते ही देखते वहां पर रन मिलते हुए 2 रन, अच्छी फील्डिंग और तालियों की गूंज होनी भी चाहिए क्योंकि आप क्रिकेट के चाहने वालों हो रिजवान भाई, ये क्रिकेट के जो दर्दी दर्शक है ना, ये प्यास और भूख जिस तरीके से होती है, मैंने कहा ना फिल्म सबसे कि भूखे को पूछो कि भूख की कीमत क्या होती है, प्यासों को पूछो कि प्यास की कीमत क्या होती है, वो तो भूख और प्यास खाने और पीने के एतबार से होती है, लेकिन क्रिकेट के चाहने वालों को पूछो तो क्रिकेट की कीमत क्या होती है। इस बार देखिए इनसाइड एज लगी थी, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटते हुए 1 रन पूरा हो चुका है और टीम का स्कोर जहां पहुंचा है कहते चलो 56 अब तक 56। साथ ही साथ जिस तरीके से बुजुर्ग हस्तियों की अगर बात की जाए तो उनकी भी उपस्थिति हो चुकी है, उनकी भी आमद हो चुकी है, इनका भी ये तमाम जो बुजुर्ग हस्ती आए हुए हैं इनका तहे दिल से अलंकार फेस्टिवल टूर्नामेंट सीजन 1 में तहे दिल से स्वागत है। मैच की तरफ आता है रिजवान फिर से एक बार, अगली गेंद, और इस बीच देखिए क्या बात है, लाजवाब हाई एंड हैंडसम खूबसूरत स्ट्रोक 6 रन के लिए आसिफ अली, ये टीम के लिए हुकुम का इक्का, कहते हैं ना कि ताश की गद्दियों में जो पत्ते होते हैं ना फिर वो किसी भी तरीके के हो, टीम का स्कोर तेजी के साथ जा पहुंचा है 62, 62 रन हो चुके हैं, ये हुकुम का इक्का इसलिए है क्योंकि गेंदे हो चुकी है 4, 2 गेंदों का आना बाकी है, पहली गेंद पर षटकार, दूसरी गेंद पर 2 रन, तीसरी गेंद पर 1 और चौथी गेंद पर षटकार। अगली गेंद रिजवान, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, क्या बात है, बैकफुट पर जाकर गेंद को जिस तरीके से पॉइंट के क्षेत्र में अच्छा स्ट्रोक, 4 रन।
रनों के लिए। गेंद तो कहती हुई जा रही है कि मैं तो जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ चार रनों के लिए। टीम का स्कोर हो चुका है कहते चलो 66 रन। और आसिफ अली की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए 9 गेंदे और 33 रन पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये देखिए मिस हुआ ये स्ट्रोक लोअर फुलटॉस की इस गेंद पर, आप देख सकते हो ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, जगह पर रहते हुए खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलना चाहते थे क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने स्ट्रोक खेला वो बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से खेला। आई वी मेहमान टीम यानी हरने की टीम इन तमाम खिलाड़ियों का अलंकार फेस्टिवल टूर्नामेंट सीजन 1 में तहे दिल से स्वागत है। टीम का स्कोर हो चुका है कहते चलो 67। साइगाउट की भी टीम आ चुकी है, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपका आना मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों टीमों की तरफ से एक अच्छा क्रिकेट नजर आएगा, एक अच्छा टैलेंट नजर आएगा और इसीलिए तो यह ऑर्गेनाइज की गई टूर्नामेंट है कि हर इलाके का खिलाड़ी हर धर्म का खिलाड़ी एक जगह पर आकर इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाएगा, इस टूर्नामेंट के जरिए अपने परफॉर्म को निखारने की कोशिश करेगा और इसीलिए अलंकार यानी जिस तरीके से अलंकार के माने होता है सोना, बिल्कुल, और जिस तरीके से गहने होते हैं तो वो गहने बहुत ज्यादा अनमोल होते हैं, तो अलंकार ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा अनमोल है सबके लिए। गेंदबाजी पर आ चुके हैं आखिरी ओवर लेकर अली। इस बीच अगली गेंद, ओ ये देखिए पहली गेंद खराब गेंद, शादाब नाराज, गेंद जाती हुई लॉन्ग स्टॉप की दिशा में, चार रन के लिए और वाइड की मदद से ये अतिरिक्त रन भी जोड़ा जाएगा यानी 5 रन आ चुके हैं। खराब पहली शुरुआत गेंद पर होती हुई। टीम का स्कोर हो चुका है तेजी के साथ जा पहुंचा है 72 रन हो चुके हैं। आसिफ अली अभी भी स्ट्राइक पर है, अपने वक्त का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और आज फिर से एक बार उसी दमखम के साथ ये बल्लेबाजी करते हुए अली जिस तरीके से वजहता है ये जो आसिफ अली है ना इनके तालुक से एक ही बात कहूंगा, ये बल्लेबाज कलाकार भी है, असरदार भी है और अदाकार भी है। अली फिर से एक बार गेंदबाजी पर होंगे, कमबैक की जरूरत है, ये बड़ी प्रतियोगिता है, न जाने इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज कहते चलो 50,000 और चैंपियन ऑफ द चैंपियन यानी मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा 5 तारीख को। ओ ये देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड, अमोल कैमरामैन के रूप में गेंदों को गैदर कर रहे हैं। ये जो बच्चे है ना इन्होंने कहां पर ट्यूशन नहीं लिया, इन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर जो भी किया, मुझे याद है मैं मले में कमेंट्री कर रहा था उस वक्त यूट्यूब पर उनका जिस तरीके से मोबाइल से वीडियो शूटिंग होती थी, आज खुद के दम पर जो भी है जय गणेश के चैनल के सभी आयोजक मेंबर, इस भी देखिए नहीं रुकेंगे, गेंद जा रही है जा रही है जा रही है 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से षटकार सिक्सर। मैंने कहा ना जैद भाई हुकुम का इक्का वो आपके सामने है क्योंकि ताश की गड्डियों में हुकुम का इक्का होता है ना खेल के नक्शे को बदल देता है और वो बदल चुका है। बैक टू बैक गेंद जाती हुई, क्या बात है, 6 रनों के लिए सिक्सर षटकार और टीम का स्कोर हो चुका है कहते चलो 2 बॉल में 8 रन। क्या बात है, टीम का स्कोर हो चुका है कहते चलो 85 85 रन। मियाजान उंडरे इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम भी आ चुका है। 48 रनों पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, 2 गेंदों में 18 रन आए हैं, क्या बात है, ये भी इतिहास कायम हुआ है कि कहते हैं ना कि 2 गेंदों में 18 रन बन पाएंगे क्या, 1 गेंद में 14 रन बन पाएंगे क्या, लेकिन 2 गेंदों में 18 रन बने हैं। सलीम भाई परकार इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम और बदरुद्दीन उंडरे इनकी तरफ से भी 100 रुपए का इनाम यानी 300 रुपए का इनाम, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अर्धशतक से 4 रन की दूरी पर है, 46 रन पर 12 गेंदों में खेलते हुए इस टूर्नामेंट का सेकंड डे का सबसे फास्टेस्ट 50 हो सकता है। अब यहां से गेंदे बची हुई इस ओवर की कहते चलो 3
स्ट्राइक पर आसिफ अली मुकादम। तीन गेंदों का खेल बचा हुआ है। मोहसिन बोरोडकर, क्या बात है, ओहो हो, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसमें देखिए मिस टाइम स्ट्रोक, जी हाँ इनसाइड एज लगी थी। 47 रनों पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। टीम का इसका स्कोर हो चुका है, कहते चलू बानकोट 11 एक टीम का। लेकिन एक अच्छा मैच बीच मैदान के अंदर रनता हुआ, क्योंकि शुरुआती ओवर में क्या जब छूटा तब बैट्समैन पूरी तरीके से हल्ला बोल दिया। ओ ये देखिए स्टेप आउट होकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज अली ने बैट्समैन के इरादे को परख लिया, भाप लिया। उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद डाली, गेंद ऑफ स्टिक से काफी हद तक बाहर गई, लेकिन यहां पर एक रन तो जरूर मिला। 22 के रूप में एक रन आया है नूरुल्ला सर, और ये एक रन आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलो 87 पर। यहां जिस तरीके से ये स्ट्रोक खेला है, गेंद जाती हुई इनसाइड आउट, साबिर के हाथ में गेंद गई, दो की मांग है। और यहां पर देखिए एक रन अर्धशतक के लिए। ये देखिए कि एक रन की क्या कीमत होती है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्या बात है, बहुत खूब। कहते चलो मुश्ताक मिरकर हाई कांग्रेस मंडनगढ़ तालुका के, कहते चलो अध्यक्ष है हाई कांग्रेस के मुश्ताक मिरकर, इनका अलंकार फेस्टिवल टूर्नामेंट सीजन वन में तहे दिल से स्वागत है। देखिए एक इनाम आया हुआ है दाऊद परकार की तरफ से, आसिफ अली मुकादम के लिए 500 रुपए का इनाम, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, बहुत खूब मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा परफॉर्म दिखाया आसिफ अली। कई दिनों के बाद आपकी बल्लेबाजी मैंने देखा हूं, 2018-19 में जब दापोली में खेलने के लिए आए थे तब उन्होंने एक 29 रनों की पारी खेली थी, मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं। और उसके बाद आज मैं आपकी बल्लेबाजी देख रहा हूं आसिफ अली। साथ ही साथ बिलाल साठे, फैज संगे, इकबाल भाई, इकबाल भाई सोलकर, नासिर, नासिर का नाम का है, नासिर भाई, नासिर भाई, साथ ही साथ कहते चलो मुश्ताक भाई आ जाइए, आपका तहे दिल से अलंकार फेस्टिवल टूर्नामेंट सीजन वन के दूसरे दिन में तहे दिल से स्वागत है। आरआरटी की टीम नाराज मत होइए, आपके पास भी कलात्मक फटके वाले बल्लेबाज है, उम्दा परफॉर्म दिखाने वाले, आपके पास भी परफॉर्म दिखाने वाले खिलाड़ी है, आपको संयमी के साथ एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपको खेलना है। आरआरटी की टीम आप देख सकते हो, तो पहली ओवर में और पहली ओवर में कैच जब छूटा नासर के हाथ से तब जाकर ये 49 रन बने, यानी देखिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। कहते चलो इस टूर्नामेंट के आज के दिन का कल तक का हाईएस्ट स्कोर था मयूर, कहते चलो श्रीवर्धन यानी फैजान श्रीवर्धन, ये जो टीम थी ना ये इस टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन कल तक का हाईएस्ट स्कोर उनके टीम का था 92 स्कोर था मयूरेश, और वो भी आपके जरिए मालूम पड़ रहा है जो आप डिस्प्ले में दिखा रहे थे कल, और आज के दिन में पता चलेगा कि आज के दिन में सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन सी टीम बनाती है। अब तक तो बानकोट नजर आ रही है, क्योंकि बानकोट की टीम ने स्कोर बनाया है कहते चलो 89 यानी 90 रनों का पीछा करना होगा कहते चलो। और हाईएस्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो टोटल जो हाईएस्ट स्कोर है सभी टीमों के एतबार से तो टॉप पर कहते चलो फैजान 11 श्रीवर्धन है, कल के दिन की बात थी,
और आज पता चलेगा कि रिकॉर्ड कौन ब्रेक करता है। जी हाँ, हरने की भी टीम आ चुकी है, साईगांव की भी टीम आ चुकी है। दोनों टीम का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं अलंकार फेस्टिवल टूर्नामेंट सीजन वन में, आपका तहे दिल से स्वागत है। साईगांव टीम के कैप्टन, प्रेजेंटेशन बॉक्स यानी टॉस का बॉस उस तरफ आ जाइए, और साथ ही साथ खास इस टूर्नामेंट के लिए जहीद परकार जो सऊदी से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं वो भी काफी हद तक खुश है अनवर भाई, और उन्होंने भी मुबारकबाद दी है इन आयोजकों को। साथ ही साथ कहते चलूं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहीद भाई जो यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, और साथ ही साथ मौलाना मुनव्वर ने मिट्टू मौलाना कहते चलूं जो मीठे इंसान है, उनकी उनका लहजा उनका मिजाज मीठा है, उन्होंने भी इस टूर्नामेंट के लिए बहुत सारी मुबारकबाद दी है कि वो दुआ भी कर रहे हैं कि आपकी टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो। आगाज कल हुआ था, अंजाम 5 तारीख को आना है और बहुत ही बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। इस भी देखिए खेल की शुरुआत, पहली गेंद कारपेट के सहारे खेला, गेंद जाते हुई गुदगुदिया लेती हुई भाग मिलकर भाग 4 रनों के लिए, क्या बात है। पहली ही गेंद पर क्या जिस तरीके से साबिर की बल्लेबाजी चली है, 17 नंबर ये खतरे की घंटी बजती है, लेकिन पहली ही गेंद पर गेंदबाज नवीद के लिए खतरे की घंटी बजती हुई साबिर। स्ट्राइक पर साबिर, नॉन स्ट्राइक पर मोहसिन, इन दोनों के ऊपर काफी हद तक दारोमदार होगा। 5 ओवर के मुकाबले में मुकाबला आखिरी ओवर के आखिरी दम तक जाना चाहिए, मुकाबला पानी की तरह साफ और समंदर की तरह गहरा होना चाहिए, तब जाकर खेल में मजा आता है। क्योंकि कहते हैं ना, ओ इसमें देखिए अंपायर से अपील है, लेकिन गेंद को जिस तरीके से ऑफ स्टिक पर रखा था आप देख सकते हो, गेंद ऑफ स्टिक पर रखी थी, एक्शन रिप्ले में देखिए तेजी के साथ गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में और डॉट बॉल करा रहा है बिल्कुल। मैं सभी टीमों से एक गुजारिश करता हूं कि आप रिव्यू नहीं ले सकते। कहते चलो मौलाना, एक तरफा प्यार और एक तरफा क्रिकेट मजा नहीं आता, दोनों तरफा जब होता है ना तब उसकी रंगत भी बढ़ जाती है। तो देखना होगा कि इस वाले मुकाबले में कितने खिलाड़ी किस तरीके से रंग भरते हैं अच्छे परफॉर्म को दिखाकर। मैं वहां पे वो मोहब्बत की बात नहीं करूंगा, क्रिकेट की बात करूंगा, वो तो होते रहता है, लेकिन मैच की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो टीम का स्कोर हो चुका है 4 रन, गेंदे हो चुके 2, अंपायर शादाब परकार का डिसीजन आखिरी फैसला होगा, उस फैसले को मानना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आता है, तो ऐसी बात नहीं है, डिसीजन जो लिया जाता है ये न्यूट्रली डिसीजन लिया जाता है, जो हकीकत होती है उसको सामने पेश किया जाता है, तो हमें चाहिए कि उस डिसीजन को जिस तरीके से माना लिया जाए। जिस तरीके से कल हमने देखा मुस्तकी मुर्जुक की मैं तारीफ जरूर करूंगा, एक ऐसा खिलाड़ी, सामने वाली टीम 1.5 घंटा लेट थी, कमेटी उनको पेनल्टी लगाने वाली थी, लेकिन मुस्तकी मुर्जुक ने कहा कि पेनल्टी मत लगाइए, यहां पर क्रिकेट का अपमान होगा और क्रिकेट को न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्होंने जिस तरीके से एक अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। तो मैं खिलाड़ियों से भी विनंती करता हूं कि रिव्यू मत लीजिए, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाइए और अंपायर के डिसीजन पर आप राजी हो जाइए, क्योंकि आपके फेवर में। आपको अगर डाउट लगता है तो कैप्टन जाकर उनसे बात करेगा। जी हाँ, व्हाइट का इशारा आ चुका है। जी हाँ, आप प्यार मोहब्बत से अगर आप बात करते हो तो जरूर आपके लिए एक अच्छा सबब बन सकता है। अंपायर का इशारा आ चुका है कि व्हाइट गेंद थी, यानी गेंद सिर्फ एक हुई है, रन हो चुके हैं 5, वही समीकरण बना हुआ है, क्योंकि पहली ओवर की पहली गेंद पर षटकार आया था और पहली ओवर की पहली गेंद सेकंड इनिंग में 5 रन आ चुके हैं। इसमें देखिए नवीद दौड़ना शुरू करेंगे राइट अप ओवर द विकेट। ओ ये देखिए बैकफुट पर जाकर ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेग स्टिक से थोड़े से मौलाना बाहर आ गया था बल्लेबाज साबित, क्योंकि आप देख सकते हो खुला मैदान है, आप जहां चाहो मार सकते हो, लेकिन आपको हवा के साथ साथ और घटा के संग संग जाना पड़ेगा, तब जाकर आपका बेड़ा पार हो सकता है। अब देखिए स्ट्राइक पर बल्लेबाज अंपायर से गार्ड ले रहे हैं,
लेग स्टिक पर उन्होंने कहा है। और देखिए गार्ड लेने के बाद एक अंदाज होता है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी देखिए जिस तरीके से स्टंप के ऊपर की जो बेल्स होती है वो विकेट पर ठोकते हैं और फिर जाकर स्ट्राइक पर जाकर अच्छा स्ट्रोक देखने की कोशिश मिलती है। इस बीच देखिए अयान तौसिफ दादरकर और साथ ही साथ हर चीज की अपनी कीमत होती है और 50 की कीमत लगाई थी 500 के लिए, लेकिन जो इनाम लगाया था जिस बंदे ने अयान तौसिफ दादरकर इनकी तरफ से वो 500 रुपए का इनाम था, लेकिन 50 नहीं बनी इसलिए 200 हो गए। और इस भी देखिए हवा में उठाकर खेला है इनफील्ड के ऊपर से, और देखिए कैच छूटा है, सपना टूटा है, मुकद्दर रूटा है, मोहसिन ने एक रन को लूटा है। जान में जान आई है भाई किसके, शहबाज दौरे के, क्योंकि मोहसिन जैसे का विकेट जाना यह हमारे लिए टीम का सबसे बड़ा खतरे का सबब बन सकता है। पप्पू ठांगे इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है अगर आरआरटी की टीम जीतती है तो। लेकिन इस भी देखिए सतीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी की थी, गेंद विकेट पर जब गेंदबाज ने रिलीज किया गेंद स्किट होके अंदर की तरफ काटा बदलती हुई मिडल स्टिक पर आने के बाद डॉट बॉल, नहीं डॉट बॉल, मुनव्वर खान साकरकर जो खास गल्फ में रहते हुए इंडिया में ओके वो यूट्यूब के जरिए मैच देख रहे हैं, तो उन्होंने 200 रुपए का इनाम लगाया आसिफ अली मुकादम की बल्लेबाजी पर, जो कहते चलो 49 रन बनाए थे, बस एक रन की दूरी थी, यानी एक रन अगर लगता तो वो 200-500 हो जाते, यानी हर रन की कीमत होती है और हर गेंद की कीमत होती है। इसमें देखिए इस गेंद पर कोई रन नहीं आया है, न जाने कई दर्शक घर बैठे बैठे जिस तरीके से कहते चलो रातों को जागते हैं, नींद तो आती है लेकिन नींद नहीं आएगी क्योंकि क्रिकेट का मैच चालू है, दोपहर का टाइम सोने का भी होता है, खाने का भी होता है, काम का भी होता है, लेकिन काम को छोड़ो हमें मैच को देखना है, ये होता है क्रिकेट की मोहब्बत। इस बार नूरुल्ला सर का इशारा व्हाइट का, टीम का स्कोर हो चुका है 8 रन पर। देखिए आरआरटी की टीम अगर जीतती है, अच्छा परफॉर्म मोहसिन और साबिर दिखाते हैं उनके साथ में दिगर खिलाड़ी, तो आरआरटी के लिए पप्पू ठांगे इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है। अहमद धनसे की अगर मैं बात करूं तो वो काफी हद तक चौकन्ने रहते हैं हर वक्त, कौन सी टीम आती है, किस टीम का किस तरीके से खेल के प्रदर्शन के लिए मेहनत करानी है। आएगा और हमें आ जाइए, खास अहमद भाई ने आपको बुलाया है, वजह भाई आपसे ज्यादा मैं कहता हूँ चौकन्ना अगर कोई इंसान होगा ना तो अहमद ढंग से बहुत ज्यादा चौकन्ना रहता है, ये चौकन्ना होना भी चाहिए। और टीम का स्कोर हो चुका है 11 रन पर। ओ ये देखिए अंपायर का इशारा फिर से एक बार व्हाइट का, या मैं अक्सर कहता हूं मेरे दोस्त धूम्रपान करना ये सेहत के लिए हानिकारक होता है और उसी तरीके से व्हाइट गेंद करना ये गेंदबाज के लिए हानिकारक होता है व्हाइट गेंद, क्योंकि अगर आप ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हो तो न जाने कई बीमारियां आपके पास लागू हो जाती है, उसी तरीके से ज्यादा व्हाइट करना ये आपके लिए मुकाबले के अंदर से बाहर निकलना जैसी बात होती है। और इस भी देखिए ये स्ट्रोक पर ठीक से टाइम नहीं हो पाया है और फॉलो थ्रो में खुद गेंदबाज शहबाज ने कमबैक किया, विकेट जाता हुआ साबिर का, बैक टू द पवेलियन टाटा एंड गुड बाय।
टीम का स्कोर कहते चलो हो चुका है 12 रन पर। बहुत धीमी गाड़ी चल रही है, एक्सेलेरेटर पर पैर रखना पड़ेगा क्योंकि बानकोट के किले पर अगर आना है ना तो बहुत सारे कहते चलो जो टर्निंग है, साथ ही साथ ऊंचाई है, तो रास्ते की ऊंचाई को नाप कर, टर्निंग को नाप कर जब एक्सेलेरेटर पर आप पैर मारते हो ना तब जाकर आप वो रास्ता पार कर जाते हो। लेकिन आप देखिए इस बीच मोहसिन को बांधे रखा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि बड़े स्ट्रोक के लिए। ये होता है दबाव, ये प्रेशर होता है कि पहले इनिंग में बहुत रन बने थे, हमें भी मारना है, लेकिन आपको गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना होगा। गेंदबाज देखिए सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहा है, गेंदे हो चुके। टीम के स्कोर की अगर बात करूं तो 12 रन पर रुका हुआ स्कोर है। अगली गेंद शहबाज द्वारा, ये देखिए फिर से एक बार चकमाक आ गए, मोहसिन बैक टू द पवेलियन। चेंज ऑफ पेस वेरिएशन था बैट का, जिस तरीके से निचला हिस्सा लगा था और बैट्समैन का विकेट जाने के बाद पूरी टीम बिखरती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा जो बिखरती हुई टीम की पारी को संभालेगा कौन, अहमद साहब कहते चलो मुकद्दर का सिकंदर आखिरी दिन में पता चलेगा, लेकिन आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इस वाले मुकाबले में जीत किसकी होगी। क्योंकि दुनिया का दस्तूर ये मौलाना कि दुनिया में कुछ नहीं मिलता मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। अगर आपको कुछ करना है ना तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आज आपकी टीम में आपकी जगह क्यों बनी है, किस लिए बनी है। क्योंकि जब 11 खिलाड़ी खेलते हैं तो वो 11 खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, उसके साथ में पूरा गांव का मोहल्ला, मोहल्ले में रहने वाले सभी घर के लोग, उनके प्रति लगा हुआ मोहब्बत, उनके प्रति लगी हुई आस, जो उनकी उम्मीदें होती है, वो उम्मीदों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। अब देखिए दो बड़े विकेट जा चुके हैं, साबिर का भी विकेट जा चुका है, टीम का स्कोर 12 रन पर जा पहुंचा है। अब न जाने कई दर्शक आरआरटी से भी इस मैच को देख रहे हैं ये उम्मीद को लेकर कि कहां ना कहां हमारी टीम कमबैक करेगी। अब चाहिए कि आपको जज्बा दिखाओ कि आपने जो परफॉर्म हर जगह पर कर रहे थे, आपका इतिहास कायम था, आज बानकोट के ऐतिहासिक गांव में आप इतिहास को कायम करो। और इसीलिए तो अलंकार फेस्टिवल टूर्नामेंट सीजन 1 का यह आयोजन दूसरा दिन बीच मैदान के अंदर रंगता हुआ। गेंदबाजी पर अब आ चुके हैं फौजान, पहली गेंद राउंड द विकेट, नासर के बल्ले से निकलता हुआ यह स्ट्रोक आप देख सकते हो, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला। एक रन आने के बाद एक सेंसिबल क्रिकेट होना बहुत जरूरी है। आपके दो विकेट महत्वपूर्ण जा चुके हैं। अब देखिए दोनों युवा खिलाड़ी है, कहते हैं ना कि युवा खिलाड़ियों के पास जोश होता है और अनुभवी खिलाड़ियों के पास होश होता है, और दोनों का अगर मिलाप हो जाए ना तो अंत में अक्सर कामयाबी मिलती है। अगली गेंद, और इस भी देखिए मुस्तकीम के बल्ले से निकलता हुआ यह स्ट्रोक, ऑन साइड कव कॉर्नर के रीजन में यह स्ट्रोक खेला था। एक रन मिलने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 14 रनों पर। तीसरी ओवर जारी है और पहली ओवर में 7 रन, जिस तरीके से दूसरी ओवर में 5 रन और तीसरी ओवर जारी है बीच मैदान के अंदर। अगली गेंद, ये देखिए नासर सफल होकर खेलने की कोशिश में, बीट होने की कदार पर थे, लेकिन 22 के रूप में इस गेंद पर लेग 22 के रूप में रन मिलेंगे शादाब प्रकार। एक अनुभवी खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छे सीनियर अंपायर भी है, और आप देख सकते हो हन्नान प्रीमियर लीग जिस तरीके से हाल ही में कुछ सालों पहले जब हुई थी उसमें इमरान चिकते के साथ में खेलते हुए नजर आ रहे थे, और वही आज आप देख सकते हो इस ग्राउंड पर। और इस भी देखिए हवा में उठाकर खेला, देखना होगा ये गेंद कितने रन देकर जाएगी। हो क्या छूटा है, लेकिन डिसीजन पेंडिंग है, अंपायर देखना चाहते हैं कितने रन मिलेंगे इस गेंद पर, लाइनमैन से पूछना चाहेंगे कि कितने रन होंगे, क्या बाउंड्री लाइन पर पैर टच हुआ है या नहीं हुआ है, वो देखना चाहते हैं। स्ट्रोक तो अच्छा था, लेकिन शादाब प्रकार इनका डिसीजन अभी भी आना पेंडिंग है। शादाब भाई इस गेंद पर 2 रन, ओके जी हाँ, इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है। हमने टीम के कैप्टन आ जाइए मोहसिन बुरोनकर, आपका तहे दिल से स्वागत है, और बाबा आपका भी तहे दिल से स्वागत है, सभी खिलाड़ियों का स्वागत है। यहां बहुत खुशी होगी कि रत्नागिरी जिला और दापोली तालुके के खिलाड़ी, हरने जैसे गांव के खिलाड़ी आज इस मंच पर अपना परफॉर्म दिखाएंगे, अपनी क्रिकेट की खूबसूरती को लोगों के सामने पेश करेंगे।
क्या बात है, इस ओवर में अब तक देखा जाए तो इस पूरे इनिंग में एक भी सिक्सर नहीं गया है। गेंदे हो चुके चार, दो गेंदों का खेल बचा हुआ है, पांच गेंदे, स्कोरर से गलती हुई, पांच गेंदे हो चुके हैं। वो मेरे साथ स्कोरिंग का काम कर रहे हैं। अगली गेंद राइट ओवर द विकेट मुस्तकिन के लिए, ये ब्लॉक होल वाली गेंद थी। गेंद अंदर की तरफ आने के बाद बैट्समैन ने इस गेंद को सिंगल में बटोरा और ये एक रन आने के बाद एक रन बटोरा और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 18 रनों पर। जी हाँ, मुकाबले की अगर बात की जाए तो खुला आसमान, बाजू में आप देख सकते हो खाड़ी है, एक तरफ बानकोट की बॉर्डर, सॉरी एक तरफ रत्नागिरी की बॉर्डर तो दूसरी तरफ रायगढ़ की बॉर्डर, यानी बॉर्डर बॉर्डर की बात है, न जाने उस बॉर्डर से भी टीम इस बॉर्डर में आएंगे और इस बॉर्डर वाले टीम के साथ में भिड़ेंगे। इन्हें एक अच्छा परफॉर्म दिखाने का काम किया है, दो जिलों को आपस में भिड़ाने का काम, वजात नाड़कर साथ ही साथ जैद परकार शादाब, साथ ही साथ जिस तरीके से अहमद साहब, इनकी बात ही अलग है। टीम का स्कोर 18 रन। अगली गेंद, ओ ये देखिए अंदर की तरफ गेंद आती हुई, आप देख सकते हो कैमरामैन के रूप में अमोल ने इस गेंद को जब गैदर किया और बहुत ही अच्छी गेंद थी, जब स्कोर जा पहुंचा है रुका हुआ स्कोर है क्योंकि क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यूज किया है। कहते हैं ना कि क्रिकेट में दो चीजों को कभी नहीं भूला जा सकता, मोहसिन भाई एक भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और गेंदबाज शहबाज ने डाला हुआ यॉर्कर। मुश्ताक भाई के हाथों इस मैच का टॉस होगा, ये देखिए फिर से एक बार ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। टीम का स्कोर रुका हुआ है 19 रनों पर। इस ओवर के बाद मौलाना मैं कुछ जरूर कहूंगा, साइगांव की टीम आपका आना मुबारक हो। ओ ये देखिए ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन बैट्समैन का विकेट जा चुका है। कहते चलो ये जो स्ट्रोक खेलना चाहते थे मिस टाइम स्ट्रोक था, मिडल ऑफ द बैट नहीं हो पाया और बैट्समैन का अंदर अंदरूनी हिस्सा लगा, इनसाइड एज लगने के बाद सीधी गेंद विकेटों पर जा टकराई और बैट्समैन बैक टू द पवेलियन और तीन विकेट हासिल कर चुके हैं। क्या बात है, पूरी टीम बिखरती हुई ताश के पत्तों की तरह नजर आ रही है। टॉस उड़ाया जा रहा है, एक तरफ मोहसिन बोरोनकर अरनई से अपनी टीम को लेकर आए हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो साइगांव टीम के कैप्टन मंसूर भाई आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं प्लेइंग 11 का। टॉस किसने जीता है मोहसिन भाई? जी हाँ, साइगांव की टीम ने टॉस जीता है, डिसीजन आना पेंडिंग है। ओके, मेहमान टीम मोहसिन बोरोनकर की, कहते चलो हरना 11 हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक नामचीन खिलाड़ी है, रत्नागिरी जिले के अंदर दापोली तालुके का इस खिलाड़ी ने नाम बड़ा किया है। जब जब मोहसिन बोरोनकर का नाम आता है क्रिकेट के अंदाज में तब कहते चलो रत्नागिरी जिले के अंदर दापोली तालुके का नाम बड़ा करने वाला खिलाड़ी है। टॉप फाइव में इस खिलाड़ी का शुमार किया जाता है तालुके के एतबार से अगर कहा जाए तो, और उसकी टीम आज खेलती भी नजर आएगी। दूसरी तरफ साइगांव की टीम भी, टीम का स्कोर हो चुका है इस वाइट की मदद से 20 रन पर। गेंदबाजी पर जिस तरीके से कहते चलो शहबाज, ओ ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, शहजाद डावरे कहते चलो बहुत खुशी हो रही है जब बुजुर्गों का साथ होता है ना युवाओं के साथ। अहमद भाई सिराज दंसे जैसे व्यक्ति देखिए सुबह से इस मैच को देखने के लिए बैठे हैं, अभी तक अपनी जगह से ठस से मस नहीं हुए। ये मैंने कहा ना ये क्रिकेट की मोहब्बत है, ये क्रिकेट की लगाव है। और टीम का स्कोर हो चुका है आसिफ भाई कहते चलो 21 स्कोर हो चुका है, छह गेंदों का खेल जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत। अहमद साहब और साथ ही साथ वजात भाई एक बात कह रहा हूं सुनिए, जिस तरीके से वो कहते हैं ना टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, अनवर साहब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के सर पे ताज नहीं होते, अंधेरों में ढूंढ लेते हैं अपनी पर जुगनू कभी किसी के मोहताज नहीं होते। टीम मोहताज होती भी नजर आ रही है क्योंकि 6 गेंदे और 69 रनों का पीछा करना है अंबार जैसा लक्ष्य है और पहाड़ जैसे इस लक्ष्य को पार करना बहुत मुश्किल होता हुआ। आरआरटी की टीम पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है।
अहमद भाई की बात ही अलग है। ओ ये देखिए फिर से एक बार ऑन साइड की दिशा में अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे और मुस्तकीम के बल्ले से निकलता हुआ ये स्ट्रोक, मिस फील्ड, फंबल और देखते ही देखते वहां पर एक ही रन मिलता हुआ। दो ओवर में सात रन, क्या बात है। ओ स्विच इट किया गेंद को, गेंद जाती भी एक्स्ट्रा कवर की रीजन में चार रनों के लिए। ये ऐसा बल्लेबाज कब आएगा, बहुत देर हो गई भाई। ये अगर बल्लेबाज इस तरीके के स्ट्रोक के लिए आ जाते पहले से तो हो जाता, लेकिन क्रिकेट का रूल है वजाद भाई, क्रिकेट में अगर मगर नहीं चलता, ऐसा वैसा नहीं चलता, ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा करते तो वैसा करते, क्रिकेट में नहीं चलता। और क्रिकेट में आपने देखा प्रभावित किया है और सभी को खुश किया है नवीद ने, साथ ही साथ शहबाज ने, जिन्होंने पांच रन देकर दो विकेटें हासिल की और काफी इनामात के दावेदार बन चुके हैं। आसिफ अली के लिए तो बहुत सारा इनाम लगाया गया, इस्माइल परकर जो इस मैच को देख रहे हैं अपनी आंखों से लाइव देख रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से ₹500 चारों गेंदबाजों के लिए इनाम लगाया ₹500 का।